नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे एम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम तीसरी क्लास लेके चल रहे हैं, वो आपने दूसरी दो वीडियो देख ली होंगी। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो बार बार पे वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। चलिए देखिए, थर्ड टाइप। टाइप थर्ड में पढ़ेंगे हम कम प्रतिशत या कमी प्रतिशत और कमी प्रतिशत, यानी दोनों स्थितियों में कमी कमी की बात होगी। दो वैल्यू दी जाएंगी, दो मान दिए जाएंगे। कितने मान दिए जाएंगे? दो मान दिए जाएंगे। तो देखिए सवाल लिख, एक व्यक्ति की आय में 10% की कमी हुई, कुछ दिन बाद पुनः 10% की कमी हुई, तो बताओ उस व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखिए सवाल, इधर देखिए बोर्ड की तरफ, सभी देखें। मान लो पहले उसकी आय कितनी थी? 100 थी। पहले आय उसकी कितनी थी? 100 थी। 10% की कमी आई तो कितने रह गई? कमी रह गई, यानी 100 थी और 10 की कमी आ गई तो कितनी रह गई? लेकिन फिर पुनः उसकी 100 थी, फिर 10% की कमी आ गई तो फिर 90 रह जाएगी, नहीं रह जाएगी? आपको यहां पर 100 को छोड़ना है, 100 को खत्म कर दीजिए, इससे ये जीरो खत्म, इससे ये जीरो खत्म, तो ये 100 बच गया और इधर इसका गुणा करेंगे तो 81। अब ये देखो यहां पर कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो यहां पर देखो, तो यहां पर 19% की क्या हुई कमी, ठीक है? ये है आंसर आपका। देखिए सवाल ये है, मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया, इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो देखो, पहले हमने 100 माना, इधर देखें, अब मैंने इसमें से 15% घटा दिया तो कितना रह जाएगा? 85। फिर मैंने इसको 100 माना, फिर मैंने 5% घटा दिया तो कितना हो गया? 95, ठीक है? अब आप ऐसा करिए, सबसे बढ़िया तरीका कि ये कितना हो गया? 10,000 हो गया, और इसका और गुणा कर लीजिए, 8,700 ये आ जाएगा, ठीक है? अब ये दो जीरो है ना, ये दो जीरो को हम इसे काटेंगे तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा, यानी 100 पे हमारा जो मान आ जाएगा 80.75 आ गया। अब ये देखेंगे इससे ये कितना कम हुआ है, तो ये हुआ है 19.25% की कमी। चलिए अगला सवाल लिखें, लॉकडाउन लगने के कारण मेरी आय 10% कम हुई, परंतु दोबारा लॉकडाउन लगने के बाद पुनः 15% कम हुई, इस प्रकार मेरी आय में कुल कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ? तो देखिए इधर देखो बोर्ड की तरफ सभी लोग, हमने मान लो मेरी आय कितनी थी? 100% थी। अब मैंने इसमें से 10% कम कर दी, मेरी आय कम हो गई 10%, कितनी रह गई? 90 रह गई। फिर दोबारा मेरी 100% हो गई, जो बची कुची थी वो 100% हो गई, लेकिन उसके बाद में फिर क्या हुआ? फिर 15% कम हो गई तो फिर कितनी रह गई? 85। अब एक जीरो तो हमने यहां से खत्म कर दिया और ये हमारे पास बचा, अब 1000 बचा। 9 का गुणा कर लोगे, 9 × 5 = 45, हासिल 4, 9 × 8 = 72, 4 = 76 ये हो गया। लेकिन मुझे यहां से केवल 100 छोड़ना है, एक जीरो फिर खत्म करना है, तो यहां पॉइंट लग जाएगा, यानी 100 और ये हो गया 76.5। अब ये हो गया, अब ये देखो, ये तो 100 से कम रह गया ना, आज तो कम रह गई, तो कितने की कमी आई है? तो ये आपका जवाब हो गया 23.5% की कमी। अगर सुनो, मान लो अगर इससे मान ये कम रह जाता है तो कमी होगी, और अगर 100 से ये ज्यादा आता है तो वो वृद्धि होती है, ठीक है? क्लियर, नोट करिए फटाफट। देखिए सवाल क्या है, एक कारखाने के उत्पादन में पहले
16.3% की कमी हुई, परंतु कुछ दिनों बाद उत्पादन 33.3% कम हो गया। इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी हुई, ये देखिए सभी लोग देखें, यानी 16.3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू जो मान है वो है 1/6, ठीक है, और 33.1% का जो फ्रैक्शन वैल्यू मान है वो है 1/3। इतना तो सब लोगों को पता है, यहां पे भी कमी हुई है, यहां पे भी कमी हुई है भाई, है ना, दोनों ही कमी हुई है। अब सुने ध्यान से, ऐसी कंडीशन में हम कैसे हल करेंगे जब फ्रैक्शन में दिया गया हो। मान लो ये 6 है, ये वास्तविक मान है, 6 से जब हमने 1 कम कर दिया तो कितना रह गया, 5 रह गया। अब ये इधर कितना था, 3 2 रह गया, 3 में से हमने 1 कम कर दिया तो कितना रह गया, बात समझ में आ गई। तो अब हमने क्या किया, ध्यान से देख लेना, इसे मैं काट दिया 2 से कितनी बार, 3, ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 5, ठीक है। अब मुझे ये पता लग रहा है कि भाई मेरे पास 9 था, मेरे पास कितना था 9 और रह कितना गया है, तो कितने की कमी आ गई है, 4 की कमी आ गई, लेकिन कमी आई किससे है, 9 से। तो प्रतिशत में मार बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, तो बस, तो जैसे ही आप हल करोगे तो ये हो जाएगा 400% / 9, और जैसे 9 × 36, फिर 9 × 36, फिर यहां 4/9%, तो इतने प्रतिशत की क्या हो आ जाएगी, कमी आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए आज हमने 3 टाइप करा दिए, इससे आगे आपको कल कराएंगे। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए।